अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अशर अहमद है। आई एम अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। मैंने 2003 में डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद इंग्लैंड में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। फॉर द लास्ट 17 ईयर्स मैं वहीं पे था एज अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन भी था मैं वहाँ पे साउथपोर्ट हॉस्पिटल में। अब मैंने लास्ट मंथ से जियाउद्दीन हॉस्पिटल एज अ कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट ज्वाइन किया। जी, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कॉमन आर्थराइटिस है। इसको हम एक ऑटोइम्यून कंडीशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जिस्म का दिफाई निज़ाम है, जो कि आमतौर पे कोई इन्फेक्शन वगैरह को फाइट करता है, वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, खसूसी तौर पे जो जॉइंट्स हैं, जोड़ जो हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। इसको सिस्टेमिक इलनेस कहते हैं। उसकी वजह ये कि पूरी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, सिर्फ जोड़ों तक महदूद नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात है। जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की असेसमेंट में ऑब्वियसली डिटेल्ड इवेल्यूएशन होती है। उसके अंदर सबसे पहले मरीज से हिस्ट्री ली जाती है, क्वेश्चंस किए जाते हैं डिटेल के साथ। उसमें फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि जेनेटिक्स का एक रोल होता है। टाइम ड्यूरेशन कितनी हो चुकी है सिम्टम्स को, पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जोड़ कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स हैं, मतलब इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। उसके बाद फिर जो है फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ऑब्वियसली जॉइंट्स का मुआयना करना होता है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि कुछ स्पेशलिस्ट ब्लड टेस्ट होते हैं, और फिर कुछ एक्सरेज होते हैं। आमतौर पर बाज़ केसेस में जहाँ पर के डायग्नोसिस वाजे नहीं होती है, तो फिर डॉक्टर बाज़ दफ़ा अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं और MRI स्कैन भी करवाते हैं जॉइंट्स के। जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जोड़ों तक महदूद नहीं है। बाज़ लोग आमतौर पे इसको जोड़ों तक ही महदूद समझते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको ये अंडरस्टैंड किया जाए कि सिर्फ जोड़ों तक मामला महदूद नहीं है, इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में होती है। इसी वजह से ये इसके जो असरात हैं वो हार्ट के ऊपर भी होते हैं, इसके असरात जो हैं वो लंग्स के ऊपर भी होते हैं, लंग फाइब्रोसिस भी हो सकती है इसके अंदर, इसके असरात बाज़ दफ़ा जिस्म के दूसरे हिस्सों पे भी अफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो दवाइयाँ लेते हैं लोग, उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए जो लोग इसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट बहुत सेफ़ है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसके लिए क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है, ब्लड टेस्ट चाहिए होते हैं, और उसके अंदर किडनी, लंग्स, बोन मैरो वगैरह के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स पोटेंशियली हो सकते हैं रेयरली, उनके लिए मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। सिम्टम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आमतौर पे लोगों को जोड़ों का दर्द, खसूसी तौर पे ये जो जिस्म के छोटे जोड़ होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स जिनको हम कहते हैं, हाथों के और पैरों के, लेकिन दूसरे जॉइंट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अर्ली स्टेजेस में आमतौर पे जो छोटे जोड़ हैं, जो हाथों और पैरों के, कलाइयाँ हो गई, एड़ियाँ हो गई, बाज़ नीज़ हो गए, इनके अंदर स्टिफनेस होना, खासतौर पर सुबह के टाइम उठ करके जॉइंट्स के अंदर एक सख्ती महसूस होना, जॉइंट्स का अकड़ा हुआ होना, वो जो कि बाद में चलने फिरने से थोड़ी ठीक हो जाती है, ये चीज़। उसके अलावा जॉइंट्स में सोजिश की अलामत, उसके अंदर थोड़ी सी रेडनेस का आ जाना, जॉइंट्स थोड़े से गर्म महसूस होना और उनके अंदर पेन महसूस होना, ये सारी अलामत हो सकती हैं। जी, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। इनफैक्ट ये मतलब दुनिया भर में रिकमेंडेड है कि जो भी नए पेशेंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं, उनको फिजियोथेरेपी के लिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए रेफर करना, इट्स अ क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो उसके अंदर काफ़ी उनकी इंटरवेंशन से लोगों को हेल्प मिलती है, मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, जॉइंट प्रोटेक्शन एडवाइस होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं।